अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ होंगे खैरियत में होंगे। जी दोस्तों, आज आपके लिए मैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला डिश सेटअप लेकर आया हूँ। वो क्या है जी, ये देखें जी, ये मेरी डिश जो है, ये सी बैंड की जो एलन भी लगी हुई है, ये एशिया सेट 105 डिग्री ईस्ट एशिया सेट 7 पर लगी है। तो उसके बाद ये जो एलन भी लगी है, ये हमारी लगी हुई है डिश टीवी 95 डिग्री ईस्ट, ठीक है जी, डीडी फ्री डिश पर। तो चलते हैं जी, इनकी जो चैनल लिस्ट है और सिग्नल जो है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो सी बैंड की एशिया सेट की जो एलएनबी है, इसके तो मैंने सिग्नल भी और इसकी चैनल लिस्ट भी पिछली वीडियो में आपको चेक करवा दी थी। तो आज सिर्फ हम इस छोटी एलएनबी जो KU बैंड की एलएनबी लगाई है मैंने, इसकी जो है चैनल लिस्ट और इसके सिग्नल क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ, ठीक है जी दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई नया दोस्त मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, ठीक है जी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जो टीपी लगी हुई है 11090 वर्टिकल 29500, ये डीडी नेशनल की टीपी है। तो ये देखें, मैं जैसे हाथ आगे करता हूँ तो ये सिग्नल हमारे ख़त्म हो गए। तो जैसे मैंने हाथ हटाया तो सिग्नल ये देखें दोबारा आ गए, 86% हमारे पास इसके सिग्नल आ रहे हैं इस वक्त। तो ये 93 डिग्री ईस्ट जो है डीडी फ्री डिश वाली टीपी है ये, ठीक है जी, ये देखें। तो करते हैं इसको ब्लाइंड सर्च और देखते हैं हमें कितने चैनल इस पर रिसीव होते हैं, ठीक है जी। तो पहले वाली चैनल लिस्ट हम डिलीट नहीं करते क्योंकि मैं पर्सनली इसको देखता हूँ, ठीक है जी। तो टीपी आना हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही है, अगर कोई नया दोस्त मेरे चैनल पर वीडियो देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें जी, शुक्रिया। तो टीपी हमारे पास अभी तक 8 आ गई हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 93 डिग्री ईस्ट जो है वो सेट है इस वक्त इस पर, ठीक है जी। आई तो है वैसे 12688 वर्टिकल 27500, ये डिश टीवी की टीपी है मेरे पास। कुछ टीपी आ तो गई हैं वैसे डिश टीवी की भी, हाँ जी कुछ हैं, सारी तो नहीं लेकिन कुछ टीपी जो हैं वो रिसीव हो रही हैं। ये डीडी फ्री डिश है, ठीक है जी। तो देखते हैं हमें कितने चैनल इस पर रिसीव होते हैं साइड एलएनबी पर। हाँ, आपको पता है साइड एलएनबी पर जो सैटेलाइट है वो कुछ कमज़ोर हो जाती है, ये तो कुछ बहुत ही आसान वाली सैटेलाइट है, वरना तो मुश्किल होता है यानी कि फुल सैटेलाइट को साइड एलएनबी पर रिसीव करना, ठीक है जी। अगर आप इसको फुल रिसीव करना चाहते हैं तो 2 फीट वाली सिर्फ जो डिश है उस पर सेंटर में लगा दें तो आपको फुल ये रिसीव होगी। तकरीबन 500 से ऊपर चैनल है इस पर, पहले 700 से ऊपर आते थे लेकिन डिश श्रीलंका का जो पैकेज चल रहा था यहाँ पर वो उन्होंने रिमूव कर दिया है, ठीक है जी। तो अब बाकी यही इसी के चैनल रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से एंड हो गया, बस 315 चैनल हमें मिले हैं अभी तक। ये चैनल इसके सिग्नल तो आए हैं इस टीपी के, ये डिश टीवी 95 की टीपी है, नहीं जी सिर्फ सिग्नल ही थे, चैनल कोई नहीं आए। तो मुकम्मल अगर आपने इसको रिसीव करना है तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 2 फीट पर या 4 फीट पर जैसे भी करना चाहते हो तो सेंटर में लगा लें, ठीक है जी। तो सेंटर में जो है इसके अच्छे सिग्नल आप बना लोगे आराम से और इसको फुल देख सकते हो। वैसे तो मेरे नज़रिए के मुताबिक ये जो डिश टीवी है अब ये देखने के काबिल नहीं रही, इससे बेहतर है आप जो है ना एयरटेल 108 डिग्री वो लगा लें। हाँ जी, 344 चैनल टोटल हमें मिले हैं। तो चलते हैं इसकी चैनल लिस्ट की तरफ, तो चैनल लिस्ट में आपको इसकी चेक करवाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, सिर्फ फ्री वाले चैनल हम इसके चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फ्री वाले मेरे ख्याल से ऑल सैटेलाइट सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ 95 के हमें सिग्नल ये चैनल चेक करनी है।
ये देखें तो इस पर टोटल, ये तो टोटल चैनल है, तो एक से हम शुरू कर देते हैं। ये देखें ये डीडी नेशनल है, अच्छे चैनल हैं सारे, जो फ्री वाले हैं इसके सिर्फ अच्छे फ्री वाले ही हैं अब इस पर, ठीक है जी। जो डीडी फ्री डिश वाला पैकेज है वही बेहतरीन है, बाकी तो इसके जो चैनल हैं सी लाइन पर बड़े स्क्रैचिंग के साथ चलते हैं, अच्छे नहीं चल रहे। इससे एयरटेल कहीं हज़ार दर्जा अच्छा चल रही है इसका, ठीक है जी। तो रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप लोग जो हैं एयरटेल लगाएँ। वैसे ज़्यादातर लोग इसको देखते हैं एयरटेल के साथ, आप इसको साइड LNB पर सेट कर लें इंशाल्लाह। मेरी पहले भी एक वीडियो है जिसमें मैंने सेटिंग दिखाई हुई है एयरटेल और 95° ईस्ट की, एयरटेल सेंटर में लगा के और नीचे साइड LNB पर मैंने, तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, ठीक है जी। तो ये है जी कुछ इसकी चैनल लिस्ट। ये चैनल मैं काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ, ठीक है जी। ये DDHD, जी दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ